नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव, भाजपा की पहली सूची तैयार, 2 दिन घोषणा संभव। जुडिशरी पर दिए बयान को लेकर गहलोत ने मांगी माफी। पूर्व CM वसुंधरा राजे को महिलाओं ने उड़ाई चुंदड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ED को दी नसीहत, बदला जैसी कार्यवाही नहीं करे। और अब CM अशोक गहलोत के गढ़ में PM मोदी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 39 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे के बाद पहली सूची जारी हो सकती है। इसके अलावा जोधपुर की हॉट सीट कही जाने वाली सरदारपुरा, जहाँ से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते आए हैं, वहाँ से इस बार पार्टी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ा सकती है। शेखावत ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से CM के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। करीब 1 महीने पहले जुडिशरी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफ़ी मांग ली है। हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में गहलोत ने कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो उनके विचार नहीं थे। पूर्व न्यायाधीशों ने भी कई बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिए हैं। मेरे स्टेटमेंट में भी मैंने उनको कोट करते हुए ही अपनी बात कही थी, लेकिन फिर भी अगर मेरे बयान से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश AG मसीह की खंडपीठ ने CM अशोक गहलोत के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए 7 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे के दूसरे दिन प्राइवेट होटल में भाजपा नेताओं और अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की। राजे से मिलने के लिए उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ था। विधानसभा चुनाव के दावेदारों ने अपने आवेदन फॉर्म भी राजे को दिए। हालांकि दूसरे दिन भी वर्तमान BJP संगठन के पदाधिकारी नजर नहीं आए। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष, BJP नेता और उनके समर्थक मौजूद रहे। सुबह करीब 10 बजे नंदी गौशाला हेलीपैड पर पहुंची और वहां से तनोट माता मंदिर जैसलमेर के लिए रवाना हुई। उन्होंने उम्मीदवारों से 1-to-1 फीडबैक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कोई कार्यवाही ना की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस AS बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ED को लेकर ये बड़ी बात कही। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी के 2 डायरेक्टर्स पंकज और बसंत बंसल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में ED ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा गरमाया हुआ है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी दौरों ने इस गर्माहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री की चित्तौड़गढ़ सभा में विरोधियों पर हमले को अभी ज्यादा वक्त बीतेगा भी नहीं कि 5 अक्टूबर को जोधपुर में एक और जनसभा होने जा रही है। जोधपुर CM अशोक गहलोत का गृह जिला होने के साथ ही उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में PM मोदी की इस प्रस्तावित सभा पर राज्य की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की सियासत नजरें गढ़ाई बैठी है। भाजपा प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल और ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पिछले 1.5 महीने से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुटे हैं, लेकिन अभी तक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट पर मात्र समाजवादी पार्टी ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा में अभी दावेदारों का इंतजार ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण दोनों ही दल एक एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवारों के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस में अभी एक और सर्वे कराने की चर्चा है। पार्टी इसके बाद ही अलवर जिले सहित प्रदेश में अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने में जुटे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। हालांकि भारतीय स्पेस एजेंसी पहले ही साफ कर चुकी है कि चंद्रयान 3 की मदद से चांद से भारी मात्रा में डेटा हासिल किया जा चुका है। खास बात यह है कि लंबी नींद में जाने से पहले ही विक्रम और प्रज्ञान को एक बड़ा और खास तोहफा दे चुके हैं। खबर है कि चांद पर हॉप एक्सपेरिमेंट या फिर एक जगह से दूसरी जगह कूदकर विक्रम लैंडर ने इसरो को भी हैरान कर दिया था। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरमुथुवेल ने कहा है कि लैंडर का कूदना पहले से तय नहीं था, साथ ही ये मून मिशन का हिस्सा भी नहीं था। बिहार में जातिगत सर्वे के परिणाम आने के बाद केंद्र और नीतीश सरकार में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता जातिगत सर्वे की खामियां जनता के बीच लेकर
जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर याचिका मंजूर कर ली है। इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के लिए आज एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा थी कि माउंट आबू में जंगल जीप सफारी की शुरुआत हो। इस कड़ी में आज इसका विधिवत लोकार्पण कार्यक्रम माउंट आबू में आयोजित किया गया। इसका विधिवत लोकार्पण प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने वीसी के माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक रतन देवासी भी मौजूद रहे। रेलवे ने कुलियों का मेहनताना बढ़ा दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सामान ढुलाई के लिए अब आपको पहले की तुलना में 40% अधिक रुपए देने होंगे। इंडियन रेलवे ने कुलियों का मेहनताना बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यात्रियों को 40 किलो सामान की ढुलाई के लिए पहले 100 रुपए तय था, जिसे बढ़ाकर अब 140 रुपए कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी लगभग 7 साल बाद की गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात कर मेहनताना बढ़ाने की मांग की थी। सीकर जिले में अब कीटनाशक की दुकानों पर प्रशिक्षित व्यक्ति ही बिक्री कर सकेगा। भूमि की गिरती उर्वरता और फसल व सब्जियों में कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा होने से असाध्य रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रत्येक दुकानदार के लिए पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 12 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ये किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में अब कीटनाशक की दुकानों पर प्रशिक्षित व्यक्ति ही बिक्री कर सकेगा। लंबे समय से मांग को देखते हुए रेलवे ने जनता को तोहफा दिया है। अब अजमेर रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन फिरोजपुर कैंट तक जाएगी। रेलवे ने इस ट्रेन का फिरोजपुर कैंट पर ठहराव करने का निर्णय लिया है। इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी। अजमेर रामेश्वरम अजमेर हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन आज से फिरोजपुर कैंट तक संचालित होगी। ये ट्रेन मंगलवार को रामेश्वरम से रात 10:45 पर रवाना होकर अजमेर स्टेशन पर गुरुवार रात 11:45 पर पहुंचेगी। 10 मिनट के बाद रवाना होकर शुक्रवार दोपहर 1:30 फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। राजस्थान सरकार व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से घाटे में डूब रही रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ाने के लिए पहले ही भरकम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आपातकालीन परिस्थितियों में बसों में यात्रियों की सुरक्षा मुहैया कराने में फेल ही साबित हो रहा है। रोडवेज प्रशासन की ओर से रोडवेज बसों में सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पैनिक बटन के आदेश हैं, लेकिन सवाई माधोपुर डिपो में अब तक केवल 8 ही बसों में पैनिक बटन लगे हैं, जबकि 28 बसों को अभी आपातकालीन स्थिति में लाल बटन का इंतजार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म हड्डी के प्रोड्यूसर संजय शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय पर बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ फिल्म निर्माण को लेकर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। मुंबई पुलिस के परिमंडल 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने संजय की गिरफ्तारी कन्फर्म की। बांद्रा हॉलीडे कोर्ट ने संजय को एक दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में विवेक ओबेरॉय से धोखाधड़ी के मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। देश भर के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने चयनित होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग पर 20% तक डिस्काउंट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसी तरह प्राइवेट होटल और होम स्टे संचालकों ने भी एडवांस बुकिंग पर 30-50% तक छूट जारी रखने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के पर्यटक पहाड़ों की सैर पर आकर इन आकर्षक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। प्रदेश में बीते 2 सप्ताह के दौरान वीकेंड पर कई शहरों में होटलों की ऑक्यूपेंसी 50% तक पहुंच गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।